मेहर के ग्राम जरियारी में जहां एक और सड़कों का आलम यह है कि थोड़ी सी बरसात हुई तो सड़कों पर पानी भर जाता है और ग्रामीण उन्हीं जगहों में से पानी में घुसकर रास्ता तय करते हैं। माना जाए तो सड़क केवल नाम के लिए है, पानी निकासी के लिए भी नालियों का पूर्णतः अभाव है। बात करें यदि स्वच्छता अभियान की तो यहाँ के हैंडपंप से गंदगी युक्त पानी भरने को ग्रामीण जन मजबूर है। इतना ही नहीं, गांव में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी चौराहे पर लगी है, वो भी बरसात के पानी खाने की मजबूर है क्योंकि प्रतिमा के ऊपर किसी प्रकार का कोई छाया का इंतजाम नहीं किया गया। हालात ये हो गए हैं कि जहां पर प्रतिमा लगाई गई है यदि वहां पर गौर किया जाए तो चारों तरफ भीषण गंदगी का आलम है। ऐसे में यदि देश को चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत देखनी हो तो जरियारी ग्राम में जाकर देखी जा सकती है। और आखिरकार इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? बीमारियों के मौसम यानी बरसात में शासन प्रशासन की अनदेखी उनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है।